हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे प्रीएक्लेम्शिया के कारण और इसके पीछे के मैकेनिज्म के बारे में। मींस आज हम प्रीएक्लेम्शिया के इटियोपैथोजेनेसिस को डिटेल में समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीएक्लेम्शिया प्रेगनेंसी की एक गंभीर स्थिति है जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और यूरिन में प्रोटीन पाया जाता है। इसका मुख्य कारण एंडोथेलियल डिसफंक्शन और वैसोस्पाज्म है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। हाइपरटेंशन इन प्रीएक्लेम्शिया। प्रीएक्लेम्शिया में एंडोथेलियल डिसफंक्शन और वैसोस्पाज्म लगभग सभी वेसल्स को प्रभावित करता है, खासकर यूट्रस, किडनी, प्लेसेंटल बेड और ब्रेन को। ये डिसफंक्शन और वैसोस्पाज्म ह्यूमरल एजेंट्स के कारण होते हैं जिनका सोर्स अभी तक ठीक से पता नहीं चल पाया है। इसके पीछे कुछ फैक्टर्स हैं। पहला, इंक्रीज्ड सर्कुलेटिंग प्रेशर सब्सटेंसेस। अब ये प्रेशर सब्सटेंसेस होते क्या हैं? ये जो वर्ड प्रेशर है, इसका मतलब होता है टू एग्जर्ट प्रेशर और टू स्क्वीज। ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को एलिवेट कर देते हैं। दूसरा, वास्कुलर सिस्टम का प्रेशर सब्सटेंसेस के प्रति सेंसिटिव होना जो जेनेटिक हो सकता है। तीसरा, ट्रोफोब्लास्ट इन्वेजन और यूट्राइन वास्कुलर चेंजेस। नॉर्मल प्रेगनेंसी में एंडोवास्कुलर ट्रोफोब्लास्ट यूट्रोप्लेसेंटल बेड के स्पाइरल आर्ट्रियोल की वॉल्स में इन्वेड करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ट्रोफोब्लास्ट डेसिड्यूअल सेगमेंट में इन्वेड करते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में ट्रोफोब्लास्ट मायोमेट्रियल सेगमेंट तक इन्वेड करते हैं। दिस प्रोसेस रिप्लेसेस द एंडोथेलियल लाइनिंग एंड द मस्कुलर आर्टेरियल वॉल बाय फिब्रिनॉइड फॉर्मेशन। द स्पाइरल आर्टेरियोल्स देयर बाय बिकम डिस्टेंडेड, टॉर्चर्स एंड फनल शेप्ड। और ये फिजियोलॉजिकल चेंज स्पाइरल आर्टेरियोल्स को लो रेसिस्टेंस, लो प्रेशर और हाई फ्लो सिस्टम में बदल देता है। प्रीएक्लेम्शिया में सेकेंड वेव ऑफ एंडोवास्कुलर ट्रोफोब्लास्ट माइग्रेशन फेल हो जाती है, जिससे फीटोप्लेसेंटल यूनिट में ब्लड सप्लाई की कमी हो जाती है। इन नॉर्मल प्रेगनेंसी प्लेसेंटा से एंजियोटेंसिनेज रिलीज होता है जो एंजियोटेंसिन सेकेंड को डिस्ट्रॉय करता है और ब्लड प्रेशर को स्टेबलाइज करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन और नाइट्रिक ऑक्साइड ये वेजोडायलेटर हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं। इंक्रीज्ड वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर यूट्रोप्लेसेंटल ब्लड फ्लो को नॉर्मल लेवल पर रिस्टोर करता है। इन प्रीएक्लेम्शिया देयर इज इम्बैलेंस इन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलेटिव या वेजोडायलेटर प्रोस्टाग्लैंडिन की एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी फ्रॉम वैस्कुलर एंडोथीलियम और थ्रोम्बैक्सिन की बढ़ी हुई सिंथेसिस जो कि एक पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर है प्लेटलेट्स में। प्रीएक्लेम्शिया में ब्लड वेसल में एंजियोटेंसिन सेकेंड नामक प्रेशर एजेंट के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। एंजियोटेंसिन सेकेंड और वैस्कुलर सेंसिटिविटी। एंजियोटेंसिन सेकेंड क्या है? एंजियोटेंसिन सेकेंड एक पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर है, यानी यह ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। प्रीएक्लेम्शिया में क्या होता है? प्रीएक्लेम्शिया में ब्लड वेसल इस एंजियोटेंसिन सेकेंड के प्रति अधिक सेंसिटिव हो जाते हैं। इसका मतलब है कि थोड़ी सी मात्रा में भी एंजियोटेंसिन सेकेंड प्रेजेंट होने पर ब्लड वेसल जल्दी से कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एंजियोटेंसिनेज एक्टिविटी का डिप्रेस होना। एंजियोटेंसिनेज क्या है? एंजियोटेंसिनेज एक एंजाइम है जो एंजियोटेंसिन सेकेंड को डिस्ट्रॉय करता है और उसके इफेक्ट को कम करता है। प्रीएक्लेम्शिया में क्या होता है? प्रीएक्लेम्शिया में एंजियोटेंसिनेज एक्टिविटी डिप्रेस्ड हो जाती है, यानी यह एंजाइम ठीक से काम नहीं करता। प्रोटीनूरिया और अल्फा ग्लोब्यूलिन का एलिमिनेशन। प्रोटीनूरिया क्या है? प्रोटीनूरिया एक कंडीशन है जहां यूरिन में एक्सेसिव प्रोटीन, खासकर एल्ब्यूमिन, एक्सक्रीट होता है। अल्फा ग्लोब्यूलिन का रोल। अल्फा ग्लोब्यूलिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो एंजियोटेंसिनेज एक्टिविटी को मेंटेन करने में मदद करता है।
प्री एक्लेम्शिया में क्या होता है? प्रोटीन यूरिया के दौरान अल्फा ग्लोबुलिन भी यूरिन के साथ एलिमिनेट हो जाता है, जिससे एंजियोटेंसिनेज एक्टिविटी और भी कम हो जाती है। इसका मतलब है कि एंजियोटेंसिन सेकेंड को डिस्ट्रॉय और उसका प्रभाव कम करने के लिए पर्याप्त एंजियोटेंसिनेज नहीं होता। इन शॉर्ट, प्री एक्लेम्शिया में ब्लड वेसल्स एंजियोटेंसिन सेकेंड के प्रति अधिक सेंसिटिव हो जाती है, एंजियोटेंसिनेज एक्टिविटी डिप्रेस्ड हो जाती है जिससे एंजियोटेंसिन सेकेंड का प्रभाव बढ़ जाता है, प्रोटीनूरिया के कारण अल्फा ग्लोबुलिन का एलिमिनेशन होता है जो एंजियोटेंसिनेज की एक्टिविटी को और भी कम कर देता है, एंड दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्री एक्लेम्शिया। अब बात करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में, जो प्री एक्लेम्शिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड वास्कुलर एंडोथीलियम और सिंशोट्रोफोब्लास्ट में एल आर्जिनिन से सिंथेसाइज होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड वास्कुलर स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे ब्लड वेसल्स फैल जाती हैं और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। यह प्लेटलेट्स के इकट्ठा होने की प्रोसेस को भी रोकता है, जिससे ब्लड क्लॉट्स बनने का खतरा कम हो जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड इंटरविलस थ्रोम्बोसिस यानी प्लेसेंटा में खून के थक्के बनने से रोकता है। अब अगर नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी हो जाती है तो इससे वास्कुलर स्मूथ मसल्स रिलैक्स नहीं हो पाती, जिससे ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इस प्रकार नाइट्रिक ऑक्साइड की डेफिशिएंसी हाई ब्लड प्रेशर के विकास में योगदान करती है, जो प्री एक्लेम्शिया का एक प्रमुख लक्षण है। अब बात करते हैं एंडोथेलिन 1 के बारे में, जो प्री एक्लेम्शिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंडोथेलिन 1 एंडोथीलियल सेल्स द्वारा सिंथेसाइज होता है और यह एक शक्तिशाली वेजोकंस्ट्रिक्टर है। एंडोथेलिन 1 एंजियोटेंसिन सेकेंड की तुलना में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली वेजोकंस्ट्रिक्टर है। इसका मतलब है कि यह ब्लड वेसल्स को बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट करता है। एंडोथेलिन 1 ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करके ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, इसलिए एंडोथेलिन 1 की बढ़ी हुई मात्रा हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनती है। साइटोकाइंस और इंटरल्यूकिन जैसे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स एंडोथेलियल इंजरी कॉज करते हैं। अब बात करते हैं एबनॉर्मल लिपिड मेटाबॉलिज्म के बारे में, जो प्री एक्लेम्शिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब लिपिड मेटाबॉलिज्म सही तरीके से काम नहीं करता तो इससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। असामान्य लिपिड मेटाबॉलिज्म के कारण लिपिड पैराऑक्साइड्स, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज और सुपरऑक्साइड एनायन रेडिकल्स बढ़ जाते हैं। ये सभी चीज़ें एंडोथीलियल इंजरी और डिसफंक्शन का कारण बनती हैं। जब एंडोथीलियल सेल्स को इंजरी होती है तो ब्लड वेसल्स सही तरीके से काम नहीं कर पाती, जिससे वेजोस्पाज्म और हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। प्लेटलेट और न्यूट्रोफिल एक्टिवेशन, साइटोकाइंस का उत्पादन, सुपरऑक्साइड रेडिकल प्रोडक्शन और एंडोथीलियल डैमेज एक विशियस साइकिल मींस एक दुष्चक्र में फंसे रहते हैं। इसका मतलब है कि ये सब एक दूसरे को और ज़्यादा बढ़ाते रहते हैं, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। अब हम बात करते हैं इम्बैलेंस ऑफ एंजियोजेनिक एंड एंटी एंजियोजेनिक प्रोटीन्स के बारे में। प्लेसेंटल वेस्कुलर बेड में एंजियोजेनिक और एंटी एंजियोजेनिक प्रोटीन्स का असंतुलन होता है। ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू में दो एंटी एंजियोजेनिक फैक्टर्स का ओवर प्रोडक्शन होता है, सॉल्यूबल एफएमएस लाइक टायरोसिन काइनेज फर्स्ट और सॉल्यूबल एंडोग्लिन का। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्यूबल एफएमएस लाइक टायरोसिन काइनेज फर्स्ट? सॉल्यूबल एफएमएस लाइक टायरोसिन काइनेज फर्स्ट वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर और प्लेसेंटल लाइक ग्रोथ फैक्टर से बाइंड होकर एंडोथीलियल सेल्स को डिसफंक्शनल बना देता है। जब सॉल्यूबल एफएमएस लाइक टायरोसिन काइनेज फर्स्ट वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर और प्लेसेंटल लाइक ग्रोथ फैक्टर से बाइंड होता है तो यह एंडोथीलियल सेल्स को सही से काम करने से रोकता है, जिससे वेस्कुलर डिसफंक्शन होता है। अब हम बात करेंगे प्रोटीनूरिया के बारे में, जो प्री एक्लेम्शिया में एक महत्वपूर्ण लक्षण है। प्रोटीनूरिया का मतलब होता है यूरिन के साथ प्रोटीन का एक्सक्रीट होना। अब आखिर ये होता क्यों है?
और इसके पीछे का कारण क्या है, आइए अब इसे डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले एफरेंट ग्लोमेरुलर आर्टेरियोल्स में स्पाज्म होता है, जिससे ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। ब्लड सप्लाई कम होने से ग्लोमेरुलर टफ्ट के एंडोथीलियम में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस ऑक्सीजन की कमी के कारण ग्लोमेरुलर एंडोथीलियोसिस होता है, जिससे एंडोथीलियल सेल्स को नुकसान पहुंचता है। एंडोथीलियल सेल्स को हुए नुकसान से कैपिलरीज की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे प्रोटीन लीक होने लगते हैं। कैपिलरी से प्रोटीन लीक होकर यूरिन में आने लगते हैं, साथ ही ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन भी कम हो जाता है, जिससे यूरिन में ज़्यादा प्रोटीन निकलता है। यूरिन में निकले कुल प्रोटीन का 50-60% एल्बुमिन और 10-15% ग्लोब्यूलिन होता है। इस प्रकार प्रोटीन यूरिया का कारण होता है ग्लोमेरुलर आर्टेरियोल्स का स्पाज्म, एंडोथीलियम में ऑक्सीजन की कमी, ग्लोमेरुलर एंडोथीलियोसिस और बढ़ी हुई कैपिलरीज की परमेबिलिटी, जिससे यूरिन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे इडीमा के बारे में, जो प्रीएक्लेम्शिया का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। इडीमा में एक्स्ट्रासेलुलर टिश्यू स्पेस में फ्लूइड का अत्यधिक जमाव होता है। इसका कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन संभावित कारण ये हो सकते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने से एंडोथीलियल सेल्स में इंजरी होती है और एंडोथीलियल सेल्स को हुए इंजरी के कारण कैपिलरीज की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, इससे वे लीक करने लगते हैं। कैपिलरीज के लीक होने से फ्लूइड बाहर आने लगता है और टिश्यू स्पेस में आकर एक्युमुलेट होने लगता है। ब्लड वेसल्स में ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है प्रीएक्लेम्शिया में, और इस प्रोटीन यूरिया की वजह से ही ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ब्लड वेसल्स में वो कम हो जाता है, जिससे जो फ्लूइड है वो टिश्यू स्पेस में आकर एक्युमुलेट होने लगता है। इस प्रकार इडीमा का कारण हो सकता है बढ़ा हुआ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एंडोथीलियल इंजरी और बढ़ी हुई कैपिलरी की परमेबिलिटी और डिक्रीज इन ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू प्रोटीनूरिया इन प्रीएक्लेम्शिया। तो इन्हीं सभी कारणों की वजह से इडीमा देखने को मिलता है प्रीएक्लेम्शिया में। तो दोस्तों, ये था प्रीएक्लेम्शिया के कारण और इसके पीछे का मैकेनिज्म। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल मेडिकल स्टडी बाय प्रिंस को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।